Good morning, children. How are you all? I hope you all are fit and fine. Today, Deepthi ma'am is here to tell you a story on Teacher's Day. Watch and listen. एक बार गॉड ने इस अर्थ पर एक ह्यूमन मींस इंसान को बनाया और अचानक गॉड को ध्यान आता है कि उन्हें तो स्काई में बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है, ही हैज टू लीव। फिर उन्हें ध्यान आता है कि अगर मैं इस ह्यूमन को अर्थ पर अकेला छोड़कर चला गया तो who will look after that creature? Who will give him food to eat? Who will give him knowledge to learn? God was stuck in all the questions. God को एक आइडिया आता है, वो एक मैजिक करते हैं। आबरा का डाबरा, गिली गिली छू। तब God ने अपने मैजिक से एक स्पेशल क्रिएचर को बनाया। उन्होंने एक विशेष जीव बनाया जो उस ह्यूमन की टेक केयर कर सके, और उन्होंने उस स्पेशल क्रिएचर का स्पेशल नेम भी रखा, और वो स्पेशल नेम था गुरु। बच्चों, गु मींस डार्कनेस एंड रू मींस लाइट। गुरु मींस समवन हु कुड हेल्प अस टू फाइंड द आंसर्स ऑफ our problems and take away all the darkness from our life. For example, अगर हम अंधेरे में एक सड़क पर चलें, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें जाना कहाँ है, हमें किस डायरेक्शन में जाना है। तब हमें जरूरत होती है लाइट की। बच्चों, बिल्कुल वैसे ही हमें अपनी लाइफ में एक लाइट की जरूरत होती है, और ये लाइट देते हैं हमें हमारे गुरु, हमें नॉलेज देकर, ताकि हमें यह पता चल सके कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। चिल्ड्रन, डू यू नो दैट द गुरु वॉज इनडीड वेरी स्पेशल एंड डिफरेंट? डू यू नो हाउ? कभी वो क्रिएचर मैन बन सकता था तो कभी विमेन। वो क्रिएचर कभी थकता भी नहीं था। He had so much of patience. उसमें बहुत सहनशीलता भी थी, सब्र था, and he was full of love and care for the children. तब God ने कहा, आहा, finally I have the solution of all my problems. इस क्रिएचर ने तो उनकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया है। अब वो स्काई में अपना इम्पोर्टेंट वर्क करने चले गए। अब जो मैन था वो गुरु की गाइडेंस में रहने लगा। सभी लोग गुरु जी को देखकर बहुत खुश हुए। सभी मॉमीज एंड डैडीज धीरे धीरे अपने बच्चों को गुरु जी के पास छोड़कर जाने लगे, ताकि उनके बच्चे गुरु जी से कुछ सीख सकें। धीरे धीरे गुरु जी ने बच्चों को प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो करना सिखाया, हाउ टू स्पीक, हाउ टू रीड, हाउ टू राइट, हाउ टू काउंट, और भी बहुत कुछ सिखाया। धीरे धीरे गुरु जी के घर को लोग गुरुकुल कहने लगे। स्लोली स्लोली एज द इयर्स वेंट बाय, मैन ने बहुत सारी इन्वेंशंस की, जैसे व्हील की इन्वेंशन, प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशन विच कुड प्रिंट बुक्स, एंड धीरे धीरे गुरुकुल की जगह ली बिल्डिंग ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स कॉल्ड स्कूल। चिल्ड्रन, लाइक योर स्कूल। एंड गुरु आल्सो गॉट अ न्यू नेम कॉल्ड टीचर। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई डू वी सेलिब्रेट टीचर्स डे on every 5th of September? Because it marks the birthday of our great teacher, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan.
Yes, children, he was not only the second president of Free India, but also a great teacher. उनके students उनसे बहुत love करते थे और Dr. सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी उन्हें बहुत सारी stories सुनाते थे, उन्हें motivate करते थे. बच्चों को अपने टीचर से कहानी सुनना, उनकी बातों को सुनना, उनका कहना मानना बहुत अच्छा लगता था. एक दिन सारे स्टूडेंट्स अपने टीचर यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पास उनके जन्मदिन के दिन उन्हें विश करने गए और उनसे कहा कि वे सारे बच्चे उनका बर्थडे एक स्पेशल वे से सेलिब्रेट करना चाहते हैं. तब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा, नो, नॉट ओनली माय बर्थडे, लेट्स सेलिब्रेट दिस डे एज अ टीचर्स डे. सो चिल्ड्रन, फ्रॉम दैट डे वी सेलिब्रेट 5th ऑफ सितंबर एवरी ईयर एज अ टीचर्स डे. सो माय डियर चिल्ड्रन, इफ यू ओबे योर टीचर, लव हर, रिस्पेक्ट हर, योर टीचर always keep you in her heart. I hope you all understood the importance of this day. Thank you children for listening my story so patiently. Love you all. Take care. Have a great day.